dear student, myself Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? चलिए तो आज अपन अपनी क्लास टेंथ गोल्डन रेस का पोयम सेक्शन रिस्क से स्टार्ट करने जा रहे हैं. और रिस्क जो पोयम है, नाम सुन के कैसा लग रहा है? रिस्क कैसा लग रहा है? रिस्क कह रहे हैं, रिस्क लेना है ना. बट कोई रिस्क नहीं लेना है. वी डेफिनेटली teach a good lesson from this poem. And before we started the poem, we can go through the about the poem and the author all section also. Then we discuss the poem, and after that we discuss question answers and the one or two reference to contest. Okay, so here we start with the risk. About the poem, Risk is a motivational poem. Risk जो है एक motivational poem है. Every act to be done by a human being anticipates risk. ठीक है, कि जो भी काम अपन करते हैं उन सब में एक risk होता है. कैसे? कि जैसे कि suppose आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना. बींग अ स्टूडेंट की एग्जाम्पल देती हूँ. रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज़ अ रिस्क, है ना. मम्मी खाना बना रही है, खाना कितना टेस्टी बनेगा, दैट इज़ अ रिस्क. ठीक है, आप जब किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं तब तो उस रिस्क फैक्टर को थोड़ा कम कर देते हैं, नहीं तो रिस्क है. गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, गाड़ी चला ली तो भी एक रिस्क रहती है कि कहीं बैलेंस ना बिगड़ जाए, आप किसी को टक्कर ना मार दें, दैट इज़ अ रिस्क. सो लाइफ जो है अपनी वो पूरे टाइम रिस्क से भरी हुई रहती है. ठीक है, अपनी ज़िंदगी में रिस्क अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, और ये रिस्क जो है वो एंटिसिपेट्स करती है फॉर एवरी एक्ट, हर एक्ट को ह्यूमन बिगिंस के साथ में. होप मे बी रिजल्ट नॉट डिस्पेयर द लाइफ इन द इन टू डेथ. होप जो है, होप में रिजल्ट जो है इनटू अ डिस्पायर, डिस्पायर करती है अपनी लाइफ को इनटू द डेथ. कि अगर रिस्क नहीं उठाएंगे, डरते रहेंगे तो अपन खुद ब खुद क्या चलेंगे, आशा जो है वो निराशा में बदलती चली जाएगी. अपनी जो सोच है वो अपने आप अपने को निराशा की तरफ ले जाएगी. क्यों? क्योंकि अपन रिस्क लेना नहीं चाहते, तो अपनी सोच जो है वो ऑटोमेटिकली उस तरफ चली जाएगी. रिस्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ. लाइफ के अंदर सबसे इंट्रीगल पार्ट जो है, मींस कि अविभाज्य जो पार्ट है वो लाइफ का अविभाज्य पार्ट है. वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क. अपन ये कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी जो है वो रिस्क से भरी हुई है. एंड टू ओवरकम फियर, और इस फियर से बाहर आने के लिए वन नीड्स करेज. अपने को करेज चाहिए. ठीक है, कैसे आप कोई भी फियर से कैसे बाहर आ सकते हैं? That you need courage. आपको courage की ज़रूरत पड़ेगी. Success is all about having the courage. Success वही है कि आप courage से उस risk को ले पाएँ. ठीक है, Success is all about having the courage to take risk. Success क्या है? Success वो courage है जिसमें अपन risk ले सकते हैं, है ना. कि success कैसे मिलेगी? कि जब आपके अंदर खूब कूट कूट कर करेज भरा है कि भैया मुझे तो ये चीज़ करनी ही है ना, तो आप रिस्क लेंगे, वरना नहीं लेंगे. छोड़ेंगे, गोली मारो, कौन टेंशन ले, जो चल रहा है वो सही है ना. तो लाइफ में जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो अगर कुछ कर रहे हैं या वो कुछ जैसे किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो इन सब में क्या होता है? इन सब में आप क्या डिस्कस करते हैं? इन सब में अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि भैया करेज जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है. जब तक आप करेज से काम नहीं करोगे, ठीक है, तो आपके क्या होगा, आप हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डरते रहोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, है ना. और आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर मतलब क्या है ज़िंदगी में? भगवान ने अपने को भेजा है तो आगे कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करने के लिए आए हैं, तो अच्छा कर लें, वो ज़्यादा सही है, वरना फिर मतलब क्या रहा, है ना, कोई मतलब नहीं रहा. तो द पोएट गिव्स अ मैसेज. जो पोएट है वो अपने को ये मैसेज देता है टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू टेक रिस्क.
इफ दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, इफ वी डोंट टेक रिस्क, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, देर इज अ चांस फॉर अवॉइडिंग द सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ. तो आप हमेशा दुख और पेनफुल सिचुएशन को जिएंगे. बट वी विल बी मिसिंग सो मच. विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग. रिस्क लिए बगैर अपन कुछ भी लर्न नहीं कर सकते, कुछ भी समझ नहीं सकते. सो रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोयम. रिस्क क्या है? एक मोटिवेशनल पोयम है जो कि आपको क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है. किसके लिए? कि लाइफ में रिस्क लो. रिस्क लोगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, वरना आप कोई भी हिसाब से जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे. आपके लिए पॉसिबल नहीं है आगे बढ़ना. सो होप में रिजल्ट नॉट डिसअपियर द लाइफ. लाइफ के अंदर आप होप ना खोएं. एंड द पोएट ने अपने को यही मैसेज दिया है कि टू टेक रिस्क. रिस्क लें और अचीव करें कुछ ना कुछ. इफ यू डोंट टेक रिस्क, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, देन वी चांस टू अवॉइड सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन. उसे खो देंगे अपन. एंड बट इफ वी बी मिसिंग सो मच. सो ये पोएम जो है वो जेनेट ने लिखी हुई है, और इसको अपन अब स्टार्ट करते हैं. इस पोएम को रिस्क के साथ में रिस्क पढ़ना शुरू करते हैं. टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल. ठीक है, टू इससे पहले एक बार इसके मीनिंग डिस्कस कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, डाउट नहीं रहेगा. रिस्क क्या होती है? अ रिस्क इज अ सिचुएशन दैट कैन बी डेंजरस टू हैव अ बैड रिजल्ट. रिस्क क्या है? कि एक आप कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको रिजल्ट गुड मिलेगा या बैड मिलेगा. ठीक है, दैट इज द रिस्क. ओके, देन नेक्स्ट इज सेंटीमेंटल. सेंटीमेंटल का मतलब क्या होता है? अनडिजायरेबली इमोशनल. ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाना, दैट इज सेंटीमेंटल. देन वी कम टू इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है टेकिंग अ पार्ट और इंटरेस्ट. ठीक है, इसमें इंटरेस्ट लेना, टेकिंग अ पार्ट और इंटरेस्ट, दैट इज इन्वॉल्वमेंट. देन वी कम टू एक्सपोज. एक्सपोज मीन्स क्या करना? ब्राइट टू लाइट, मतलब अपने आप को ब्राइट टू लाइटली समझा, एक्सप्लेन करना, दैट इज वी हैव टू एक्सपोज अवर फीलिंग. किसी के सामने अपनी बात रखना, दैट इज एक्सपोज. देन नेवी, शेक ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, किसी चीज की कमी होना, दैट इज नेवी. देन हैजार्डस. हैजार्डस मीन्स डेंजरस, दैट मीन्स हैजार्डस मीन्स डेंजरस, जो कि अपने लिए नुकसानदायक हो, डेंजरस. ओके, देन सोरो. सोरो का मतलब होता है दुख. सोरो मीन्स दुख होना, किसी चीज के लिए दुख होना, दैट इज सोरो. एंड आफ्टर दैट सोरो वी चेंड, दैट इज रिटेन्ड. चेंड बंधे हुए. चेंड मीन्स के बंधे हुए. ओके, एंड आफ्टर दैट स्लेव्स. स्लेव्स का मतलब क्या होता है? ये तो आप सबको ही पता है, पीपल हैविंग नो फ्रीडम, गुलाम. आफ्टर दैट ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड मीन्स अ फीलिंग ऑफ कंप्लीटली सर्टेनिटी, निश्चिता का भाव. ठीक है, देन फोरफिटेड, दैट इज लॉस्ट. सो दीज आर द मीनिंग्स, और मैंने क्लियर कर दिए. फिर भी कोई ऐसा वर्ड आपको लगे कि नहीं, इसका मीनिंग भी हमें जानना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी. वैसे मैं अभी आपको एक एक लाइन का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा. स्टिल फिर भी लगता है कि नहीं मैम, इसका मीनिंग नहीं समझ आया है, तो आप पूछ लेना. टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल. ठीक है, कि हंसने में मूर्ख दिखाई देना खतरा है. कि आप हंस रहे हैं
और आपको प्रॉपर पता नहीं है तो क्या है वो खतरा है। द लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, के रिस्क अगर कोई लेता है और उस पर अगर आप हंस रहे हैं कि ये तो पागल है तो ये आप खतरा कर रहे हैं, ठीक है। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, के रोने में भावुक ना दिखाई देना खतरा है, के हंसने में मूर्ख दिखाई देना खतरा है, फिर रोने में भावुक दिखाई देना खतरा है। जहाँ रोने की बात है वहाँ रो दो ना, वहाँ सेंटिमेंटल शो होने की कहाँ ज़रूरत है। जहाँ हंसने की बात है वहाँ खुल के हंस दो, उसमें भी आप ऐसा नहीं करोगे तो मूर्ख दिखाई दोगे, ठीक है। जहाँ रोने की बात है वहाँ भावुक होके खड़े हो तो फिर भावुक होने से क्या मतलब है, रोने में भावुक दिखाई देना खतरा है, ठीक है। टू रीच आउट फॉर अनादर इज टू इन्वॉल्वमेंट, के ये अपना पहला पैराग्राफ है बेटा, दिस इज द फर्स्ट वन। के वो क्या कहता है कि दूसरे की आगे बढ़कर सहायता करने में शामिल दिखाई देना खतरा है, कि यार मैं इसकी मदद कर रहा हूँ क्या पता सही है कि नहीं है, तो खतरा है। कि हमारी सामान्य क्रियाओं में कोई ना कोई खतरा तो रहता ही है। आप सोचो, आप हंस रहे हो तो खतरा है, आप रो रहे हो तो खतरा है, किसी की मदद कर रहे हो तो खतरा है, तो क्या है ये हमारी सामान्य क्रियाओं में भी खतरा है, तो फिर लाइफ तो रिस्क से भरी हुई होनी होगी ना। लाइफ क्या होगी, लाइफ रिस्क से भरी भी होगी। तो हंसने में मूर्ख दिखाई देना खतरा है, रोने में भावुक दिखाई देने का खतरा है, दूसरे को आगे बढ़कर सहायता करने में शामिल दिखाई देना खतरा है, और हमारी सामान्य हर क्रियाओं में कोई ना कोई खतरा तो होता ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टू एक्सपोज, अब ये टू एक्सपोज से यहां तक बेटा अपना दूसरा पैराग्राफ है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि भावनाओं को प्रकट करना खतरा है, कि मैं उसे ये बात बताऊंगा अगर उसको नहीं समझ आई या बुरा लगा तो मेरी तो पिटाई निश्चित है, है ना। तो अपनी फीलिंग्स को किसी के आगे रखना, एक्सपोज करना, ये भी एक खतरा है। कई बार ऐसी चीज़ें बहुत घरों में मैंने देखी है कि फादर चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने और बेटा जो है वो कैमरामैन बनना चाहता है, या उसको ड्राइंग पेंटिंग का बहुत शौक है। तो व्हाट वी शुड डू अबाउट दैट, कि टू एक्सपोज द फीलिंग, कि आप जो ये फीलिंग एक्सपोज करते हो टू रिस्क दैट इज द ट्रू सेल्फ, कि आप जब अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने रखते हो, जब आप अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सपोज करते हो तो वो आपकी बात मानेगा, इसके लिए भी खतरा है ना। आपने अपनी बात मम्मी के सामने रखी या पापा के सामने रखी तो दैट इज वॉट, कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो सेकेंडरी मैटर है। आपने बात रख दी, उसे रखने में भी कितना डर लगेगा ये सबसे बड़ी बात है। तो एक्सपोज द फीलिंग इज द रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, कि जो आइडियाज और ड्रीम्स होते हैं बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क, के अपने सपनों को, के भीड़ में के समझ में अपने सपनों या विचारों को सामने रखना भी खतरा है। कि कोई कहे मैं तो ऐसा, ये पागल है, इसको कोई मतलब नहीं, इसको पता नहीं, इसके पास पैसा नहीं और फालतू की बातें कर रहा है, ठीक है। या ये कहेंगे इसके पास बहुत पैसा है इसलिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पागल है, इसको पैसों का घमंड है। तो दोनों तरफ से इंसान मरता है, ठीक है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, कि अपन जो भी आइडियाज और ड्रीम्स के लिए काम करते हैं बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क, कि अपन अपनी बातों को किसी के सामने रखते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क, ये भी एक तरह की रिस्क है, बींग अ नैरी, ठीक है। कि किस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, कि अपने विचारों को भी किसी के सामने आपने रखा है, मैट इज टू सॉक्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लोग यही कहेंगे कि इसमें कुछ एक्सपीरियंस की कमी है, दैट इज अपन ने डिस्कस किया ना इसका मीनिंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कि दैट मीन्स वो क्या कहेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस की कमी है। सो टू लाफ इज टू रिस्क, के हंसने में मूर्ख दिखाई देना खतरा है, रोने में भावुक दिखाई देना खतरा है, एंड कोई भी तरह के काम बढ़कर सहायता करने में शामिल होने में खतरा है, ठीक है। तो हम हमारी सामान्य सभी क्रियाओं में खतरा देखते हैं। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क,
कि अपनी बात को किसी के सामने रखना एक खतरा है. टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, अपने आइडियाज और ड्रीम्स को किसी भीड़ के सामने रखना ये भी एक खतरा है. दैट इज बीइंग कॉल्ड नेग, मीन्स कि आपके अंदर कोई एक्सपीरियंस की कमी है. सो टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग रिटर्न लव्ड इन रिटर्न, टू लव इज टू रिस्क डाइंग. ठीक है, कि क्या कह रहा है ऑथर कि टू लव इज रिस्क ऑफ बीइंग लव्ड रिटर्न एंड टू लीव रिस्क इज डाइंग. इसको अपन अब फेलियर तक कंप्लीट करेंगे. To love is to risk not being loved in return. To leave is to risk dying. To hope is to risk disappear. To try is to risk failure. ठीक है, कि प्रेम करने के लिए प्रिय व्यक्ति द्वारा बदले में प्रेम न किए जाने का खतरा, कि आप जिससे प्यार कर रहे हो वो आपसे प्यार करता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा खतरा. फिर जीने में मरने का खतरा, जी रहे हैं तो पता नहीं कब मर जाएंगे तो उसका खतरा. ठीक है, आशा करने में निराशा का खतरा. होप इज टू रिस्क डिसअपीयर, कि किसी चीज की आशा रखते हैं तो निराशा भी दिमाग में आती ही है. ठीक है, लव प्यार में प्यार का खतरा. ठीक है, देन जीने में मरने का खतरा. आशा में निराशा. ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कि पता नहीं ये कब चीजें हमारे लिए असफल हो जाए. प्रयास करने में सफलता का खतरा. प्रयास में असफलता का खतरा. To laugh is to risk appearing the fool. ठीक है, के हंसने में मूर्ख दिखाई देने का खतरा. To weep is to risk appearing sentimental. रोने में भावुक दिखाई देने का खतरा. To reach out for another is to risk involvement. के दूसरों के आगे बढ़कर सहायता करने में शामिल होने का खतरा. मतलब कि हम हमारी लाइफ को पूरा जो है वो सामान्य क्रियाएं जो है हमारी खतरे से भरी हुई है. To expose feeling is to risk exposing to your true self. के अपने आप को एक्सपोज करना किसी के सामने, अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करना ये भी एक खतरा है. To place ideas and dreams, अपने ideas और dreams को किसी के सामने क्राउड पे रखना ये भी बड़ा खतरा है. तो that is we call lack of experience. To love is to risk and not loved in return. किसी से प्यार करना और बदले में आपको वापस प्यार मिलेगा ये एक खतरा. टू लीव इज टू रिस्क एंड डाइंग, जी रहे हैं तो मरने का खतरा. टू होप इज टू रिस्क डिजायर, और जो होप आपकी है कि जो आशा है उसमें निराशा का खतरा. टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, प्रयास में असफलता का खतरा, कि आप जहाँ कोशिश कर रहे हैं वहाँ आपको असफलता का डर तो लगेगा ही. कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है उसमें कुछ ना कुछ अगर गलत हो जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि कोई भी बिजनेस में अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा डर तो रहता है ना कि चलेगा कि नहीं चलेगा. लेकिन रिस्क नहीं लोगे तो कमाकर कैसे खाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल ना. तो अगर कमाकर खाना है तो क्या करना है, रिस्क तो लेनी पड़ेगी. ये तो बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे बढ़ पाओगे. तो रिस्क तो लेनी है. तो प्रयास में असफलता का खतरा हो गया. अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन. बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेट हैजार्ड, कि हमको रिस्क तो लेनी पड़ेगी क्योंकि ये चाहे कितना ही बड़ा खतरा क्यों नहीं हो, इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग. ठीक है, कि लाइफ में रिस्क के अलावा कुछ है ही नहीं, कि परंतु खतरा तो जीवन में उठाना ही चाहिए, उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा खतरा ना उठाना है. ठीक है,
के सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा ना उठाना, लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि देखो, अगर लाइफ में कुछ करना है तो वी हैव टू टेक रिस्क, और रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, जीरो पर ही रह जाओगे। तो वी हैव टू टेक रिस्क। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा ना उठाना। क्या आप कोई खतरा उठाने से डरते हो? दैट मीन्स कि आप सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो अपने लाइफ की। अपने लाइफ को जो है वो आप एक बहुत बड़े उसमें फंसा रहे हो कि उसको जीवन में कभी कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है वो लाइफ में कभी कुछ हासिल कर ही नहीं पाता, कभी कुछ प्राप्त कर ही नहीं पाता या कुछ बन ही नहीं पाता, है ना। अब ये सोचोगे कौन पढ़े, नंबर नहीं आए तो घर वाले डांटेंगे, तो नहीं पढ़ोगे तो एजुकेटेड नहीं हो पाओगे, जब एजुकेटेड नहीं हो पाओगे तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, फिर भी चलो कोई ऐसी आपको मैथ सिखा दी गई और कोई शॉप लगा दी, तो उसमें भी आप खोलने से पहले चार बार सोचोगे चली कि नहीं चली, तो खतरा तो कमाओगे कैसे? तो जहाँ जहाँ से आपकी लाइफ शुरू हुई बस वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और नहीं रिस्क लेते जाओगे तो फ्लुएंटली आगे बढ़ते जाओगे, और रिस्क फैक्टर से आप कहाँ पहुँच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सो दैट इज़ द चेन इन विच वी कैन डिस्कस वॉट जो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन। रिस्क तो हमको लेनी ही है, ठीक है, रिस्क तो हमको उठानी ही है, परंतु अगर सॉरी ये पॉइंट नंबर 4 है ना आपका, 3 अपन ने वहां कंप्लीट किया ना। सोचो अब 2 के बाद 4 कब आता है, ऐसे ही लगा दिया मैंने। ठीक है, कि परंतु खतरा तो जीवन में उठाना ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा खतरा ना उठाना है। ओके, देन वी कम टू पॉइंट नंबर 5। क्या कहता है पॉइंट नंबर 5, जो कि अपना है लीव तक। The person who risk nothing, कि जो लोग कभी कोई चीज का खतरा नहीं उठाते, doesn't nothing has nothing, वो जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाते। ठीक है, and is nothing to become nothing, और वो उनको कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। The person who risk nothing, कि जो लोग जिंदगी में कुछ नहीं रिस्क लेते हैं वो कभी कुछ नहीं हासिल कर सकते और उनको कभी कुछ नहीं मिलता। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, उन जो लोग जोखिम नहीं लेते हैं और जोखिम से दूर भागते हैं, वे कष्ट पीड़ाओं और दुखों से बचना चाहते हैं। ठीक है ना, सोरो सफरिंग के इनसे इनके जो दर्द होते हैं उनसे बचना चाहते हैं। बट दे कांट लर्न द फील चेंज एंड ग्रो लव टू लीव, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि अगर हमने रिस्क नहीं ली तो हम किस तरह से प्यार को और सक्सेस को महसूस करेंगे। कि जो लोग जोखिम लेने से दूर रहते हैं, ठीक है, और वे कष्ट पीड़ाओं और दुखों से बच सकते हैं, लेकिन ना पीड़ा सीख सकते हैं ना अनुभव कर सकते हैं। वो ना तो फिर कुछ चीज़ को अनुभव कर पाएंगे, ना कुछ सीख पाएंगे, ना बदलाव आ सकता है, ना उनमें कभी कोई बदलाव आता है, ना ही निश्चित वे विकास कर सकते हैं, ना ही प्यार कर सकते हैं, और ना ही ऐसे ही जीवन जी सकते हैं, है ना। कि रिस्क नहीं लेंगे तो अब उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी? कि दे अवॉइड सफरिंग सोरोस, वो डरेंगे कि हमें कहीं दुख नहीं आ जाए, हम कोई मुसीबत में ना फंस जाएं, तो हम रिस्क नहीं लें। तो उससे क्या होगा कि ना तो वो लाइफ में चेंज कर पाएंगे, ना वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, ना उन्हें प्रॉपर लव मिल पाएगा, ना वो प्रॉपर तरीके से जी पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को फील करने के लिए हमें लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ेगा। चेंज बाय देयर ग्रेटिट्यूड, निश्चय कर लेना। दे आर द स्लेव्स, दे हैव लॉस्ट द फॉरबिडन ऑफ फ्रीडम्स, एंड ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। कि जोखिम लेने वाले लोग अपनी निश्चितता की भावना से के गुलाम हैं। ऐसा लोग कुछ करना नहीं चाहते, कि जो जोखिम नहीं लेना चाहते ना, वो लाइफ में कभी कुछ करना नहीं चाहते,
क्योंकि कुछ करने में खतरा है, लोगों को अपनी स्वतंत्रता खोने का खतरा है। ठीक है, वास्तव में वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो जोखिम उठाने का साहस रखता है। कि वो जो ऐसा लगता है कि हम बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो गुलाम हैं, तो वो वाकई में अपनी फ्रीडम में खुद ही अपनी फ्रीडम को खत्म कर रहे हैं। ओनली पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, वास्तविक में वो इंसान जो रिस्क उठा सकता है वो फ्री है। ठीक है, वो अगर वो जो है वो वाकई में फ्री है। तो दैट इज अ पोएम बाय जेनेट। सो आई होप यू ऑल विल इंजॉय, आपको अच्छा भी लगा होगा। एक बार मैं इसे आपको रिवाइज वापस करवाती हूँ। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, के हंसने में मूर्ख दिखाई देना खतरा है। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग अ सेंटिमेंटल, रोने में भावुक दिखाई देने का खतरा है। ठीक है, एंड टू रीच आउट फॉर अनादर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, और दूसरों के आगे बढ़कर सहायता करने में शामिल दिखाई देना भी एक खतरा है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क, अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने रखना ये भी एक खतरा है। ठीक है, एंड फॉर ट्रू सेल्फ द प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, के जो भी आपके टू एक्सपोज फीलिंग इज टू अपनी बात को किसी के सामने रखना ये भी एक खतरा है। टू प्लेस आइडियाज, अपने आइडियाज को, अपने सपनों को किसी को बताना, किसी को समझाना, किसी क्राउड में एक्सप्लेन करना, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। इज बींग कॉल्ड नेवी, मतलब कि आपको क्या कहा जाएगा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। टू लव इज टू रिस्क, कि आपको किसी से लव है, वापस वो आपसे लव करेगा कि नहीं, इसमें भी एक बहुत बड़ा खतरा है। टू लीव इज टू रिस्क डाइंग, जी रहे हैं तो मरने का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर, आशा में निराशा का खतरा है। कि किसी से होप है तो अगर वो मना तो नहीं कर दे, दैट इज ऑल्सो थिंग। द ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, प्रयास में सफलता का खतरा है। कि कोशिश कर रहे हैं कहीं हार ना हो जाए, कहीं कुछ पीछे ना रह जाए, तो दैट इज ऑल्सो के प्रयास में असफलता का खतरा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें लाइफ में रिस्क लेनी ही पड़ेगी। बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट हैजार्डस, डेंजर को हटाकर, इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, कि अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप लाइफ में सबसे बड़ा खतरा उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस डेंजर से हटना ही है। कि द रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें रिस्क लेनी ही है। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, ये सबसे बड़ा खतरा है। इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, सबसे बड़ा खतरा ही खतरा नहीं उठाना है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डजंट नथिंग हैज नथिंग, कि जो इंसान खतरा नहीं उठाता है वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। एंड बिकम नथिंग, वो जीरो पे से आता है, जीरो पर ही चला जाता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, क्या अपन ऐसे सोचे कौन रिस्क ले, इसमें दुख है, परेशानियां हैं, वी सफर अ लॉट एंड वी कैनॉट लर्न, हमें कुछ लर्न करने को नहीं मिलेगा। लेकिन गलत है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो यू कैनॉट लर्न, आप कुछ भी लर्न नहीं करेंगे, आप कुछ भी अच्छा फील नहीं करेंगे, आप कोई चेंज नहीं देख पाएंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आपको प्यार नहीं मिलेगा, आप अच्छे से जी नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि आप कुछ ऐसा फील करते हैं कि हाँ यहाँ पर ऐसा चेंज होना चाहिए, आप एक्सपोज ही नहीं करोगे तो हो सकता है उस चीज़ की निंदा हो, लेकिन कोई ऐसा भी हो जो आपकी बात को समर्थन करता हो। ठीक है, बिल्कुल पागलों वाली बात तो निंदा वाली ही होती है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो फील करते हैं अगर आपने वो एक्सप्रेस कर दिया, तो निंदा करने वाले करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चेंज, आपने कुछ चेंज किया, आप ये सोचो अरे यार मैं ये चेंज नहीं करूँ लोग हंसेंगे, तो उसको छोड़िए, आपकी समझ, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपकी समझ क्या कहती है उसको देख कर आगे बढ़िए। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कहीं पर ग्रो करना है, तो आप ये मत सोचिए कि यार मैं ये ठेला चला लूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। ठेला चलाने में भी कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत कीजिए, आप कमा कर खाते। तो जब आप पढ़े लिखे हैं तो ठेले की तो बात ही नहीं आती है, आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी पहचान बनती चली जाएगी। आप ये सोचते हैं कि मुझे ये इंसान सबसे प्यारा है, तो आप उसे एक्सप्रेस तो करिए, शायद उसका रिस्पॉन्स भी उसकी तरफ से यस आए, नो आए तो कोई बात नहीं।
लेकिन ना कहकर भी तो वो ना के समान ही है, तो कहकर ना सुनना वो ज्यादा बेटर है। और जिंदगी में जीना है अगर अच्छे तरीके से, आपको प्रॉपर एक स्टेप सेटअप लाइफ जीनी है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग, चेंज चेंड बाय द ग्रेटिट्यूड दे आर स्लेव्स। ठीक है, कि आप उस चेन में बंधे हुए हैं, आप उस चेन में बंधे हुए हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं, और अगर आपने कुछ रिस्क नहीं लिया तो आप अपनी फ्रीडम को वहीं ख़त्म कर रहे हैं। फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, आप उस फ्रीडम को वहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, कि जो इंसान रिस्क लेता है, जो इंसान जोखिम उठाता है, वास्तव में वह व्यक्ति स्वतंत्र है। ठीक है, वास्तव में कौन स्वतंत्र है? जो इंसान जोखिम उठाता है वह व्यक्ति स्वतंत्र है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डज द लाइन द होप इज टू रिस्क डिजायर एंड एक्सप्रेस दैट वी फियर बीइंग होपलेस एंड हु कंपोज द रिस्क जेनेट देन आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस क्या है, सफलता क्या है? रिस्क लेना, दैट इज सक्सेस। लाइफ में रिस्क लेना एक सबसे बड़ा सक्सेस का पार्ट है। हु इज ट्रूली सक्सेस, सच्चे अर्थ में स्वतंत्रता क्या है? क्या है सच्चे अर्थ? जो व्यक्ति जोखिम उठाता है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र है ना? द पर्सन हु टेक रिस्क इज ट्रूली सक्सेस। What is the greatest hazard in the life? सबसे बड़ा hazard क्या है? The a person who avoid taking risk. सबसे बड़ा खतरा क्या है? A person who avoid taking risk. When is a man filled with despair? के किस तरह से जो है अपन डिस्पेयर हो जाते हैं, जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तब, है ना, कि जब हम कोई ट्राई कर रहे हैं, जब किसी चीज़ को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तब। Then how can freedom be enjoyed? अपन freedom को कैसे enjoy कर सकते हैं? कैसे enjoy कर सकते हो आप freedom को? कि स्वतंत्रता का आनंद कैसे लिया जा सकता है? स्वतंत्रता का आनंद तो हम किससे ले सकते हैं? खतरा उठाने से ही ले सकते हैं, है ना? By taking risk. कि स्वतंत्रता का आनंद तो हम सिर्फ और सिर्फ खतरा उठाने से ही ले सकते हैं। Why should we take risk? क्यों लेते हैं अपन रिस्क? हमें खतरा क्यों उठाना चाहिए? नहीं उठाएंगे तो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, वहीं पीछे रह जाएंगे, है ना? Why should we take risk? हम रिस्क क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेस लेनी है। अगर सक्सेस लेनी है तो हमें आगे ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा। What is immediate advantage of avoiding risk? Immediate advantage क्या है? तत्कालीन, कि उस समय अच्छा लगेगा पर बाद में सफलता से दूर रहेंगे, है ना? That is a immediate advantage. Chained by the gratitude, explain this phrase. क्या कहता है ये phrase जो अपन ने अभी last में पढ़ा था?
के चेन के बंधे हुए हैं और निश्चित रूप से हम किसी के गुलाम नहीं है, तो हमें इस फ्रीडम के साथ में आगे रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, के सिर्फ जो इंसान रिस्क उठा सकता है वही वाकई में फ्री है। राइट द थीम ऑफ द पोएट, क्या लिखेंगे आप थीम उसमें? थीम आप उसमें ये लिखेंगे कि रिस्क इज एन मोटिवेशनल पोयम, एवरी एक्ट बी डन बाय द ह्यूमन एंटिसिपेट्स विद द रिजल्ट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ द डेथ एंड रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ, जो भी अपन ने अपने इसमें स्टार्टिंग में पढ़ा है। एंड वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क टू ओवरकम द फियर एंड नीड्स ऑफ करेज सक्सेस एंड ऑल अबाउट हैविंग करेज टू रिस्क। सो द पोएट गिव्स अ मैसेज, पोएट जो है वो अपने को एक मैसेज दे रहा है कि बींग टू टेस्ट रिस्क, कि हमें रिस्क लेनी चाहिए एंड वी हैव टू मैसेज ऑल द ह्यूमन बींग्स, और हम सब ह्यूमन बींग्स को ये मैसेज कर सकते हैं कि टू अचीव समथिंग वी हैव टू टेक रिस्क, कि हमें लाइफ में कुछ हासिल करना है तो हमें रिस्क लेनी ही पड़ेगी। फिर वॉट इज द इम्पोर्टेंस अपोजिट द इमेजेस ऑफ द पोयम, क्या इम्पोर्टेंस है कि क्या आप जो है कि देने में ऐसा क्या समझा जाता है कि हम आसानी से समझ सकें, ठीक है ना, कि मतलब मानसिक चित्र क्या है कि कैसे होना चाहिए, कि ये इमेज है अपनी कि रिस्क लें कि नहीं लें, ये अपना मानचित्र है कि हम रिस्क लेते हैं कि नहीं लेते हैं, दैट इज द थिंग। ओके एंड देन रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट है इसमें, टू लीव इज टू टेक रिस्क, जो कि आपका थर्ड वाला स्टेंजा है। के टू लीव इज टू रिस्क डाइंग, के जीने से मरने का खतरा और आशा में निराशा का खतरा और प्रयास में सफलता का खतरा, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज द पर्सन हु ग्रो, तो ये आपका फिफ्थ वाला स्टेंजा है कि द पर्सन हु रिस्क नथिंग, के जो जिंदगी में कुछ भी रिस्क नहीं लेता, कुछ नहीं करता, वो लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकता, उसे कभी भी कोई चीज मिल नहीं सकती। सो That's all with the chapter, poem, sorry. I hope you all will understand. और अब एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही है। रिस्क लेंगे तब लाइफ में अच्छे से सेट हो पाएंगे, है ना, नहीं तो सेट नहीं हो पाएंगे, वरना हमेशा यही टेंशन रहेगी कि वो यही सोचते रहोगे कि कैसे करें, क्या होगा। अरे करके तो देखिए, आप कोई अनपढ़ गंवार तो है नहीं कि आपके लिए एक टफ पार्ट हो जाए। सो दैट इज नॉट अ थिंग। So we have to take risk to move forward. Okay? ये hopefully बहुत अच्छा एक lesson दिया है हमको Janet ने, कि हम समझ सकें कि life में जो चीज़ कोशिश करोगे तो मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। तो better कि आप मन में ये सोचें कि मेरे पूछने से कोई मना करेगा या हाँ करेगा, तो पहले से आप तो ना ही सोच के बैठे हो, तो पूछ लो, मना करे तो ठीक, हाँ करे तो ठीक। So that is the thing. So That's all with this poem, Risk. कल next class में अपन मिलेंगे. Thank you so much from my side, your English educator Monica Sharma. Thank you so much.